तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ ही उदाहरण है, हम और भी डिटेल उदाहरण अपनी जो DBSC की वेबसाइट है उस पर हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ये बहुत ही अलग प्रकार से असेसमेंट हुआ है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, तो हमने दो इम्पॉर्टेंट अभी तक चेंजेस बताए, नंबर वन कि नो सिंगल एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम, नंबर दो असेसमेंट रोट लर्निंग के आधार पर नहीं है, और तीसरी बात जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ये ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर होगा। 8 लेवल्स का अलग अलग ग्रेड पॉइंट एवरेज होंगे और इस बार के रिजल्ट में 6 और 7 हमारे दो हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिले हैं। अब फाइनली जो हमारे क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट है, इस बार 1582 स्टूडेंट्स ने दोनों अपने एंड टर्म एग्ज़ाम्स दिए, 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7, ये 776 स्टूडेंट्स को मिले हैं। हमारी क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज है 3, 8 ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके लिए 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। ये है हमारे क्लास 10 का रिजल्ट। हमारे क्लास 10 में 1582 स्टूडेंट्स ने अपने दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए हैं, 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 उनको अचीव किया है, एंड 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज जो 3 है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इन स्टूडेंट्स को 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री टेस्ट दिया जाएगा। अब हमारे क्लास 10 के टॉपर्स, हमारी क्लास 10 के स्टेम टॉपर हैं अंश बंसल, जो SOSE शालीमार बाग से हैं। अंश बंसल को 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज मिला है, और अगर हम इसे ट्रांसलेट करें इनटू परसेंटेज, क्योंकि हमने इस बार उनका परसेंटेज इक्विवेलेंस भी कैलकुलेट किया है, तो 97.2% पे ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टेम के टॉपर हैं। इनका ग्रेड है 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज। हमारी ह्यूमैनिटीज की 10th स्टैंडर्ड की टॉपर हैं आंचल तंवर, जो SOSE सेक्टर 22 द्वारका से हैं। इनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6, और ये एक इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा 92.625%। 92.625%। हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के टॉपर हैं सरगुन शर्मा, ये पढ़ रही हैं हमारे SOSE सेक्टर 19 द्वारका में, और इनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6, जो ट्रांसलेट कर रहा है इक्विवेलेंट परसेंटेज में 89.5%। हमारे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के टॉपर हैं खुशी चौधरी, जो SOSE सेक्टर 11 रोहिणी से हैं। उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6, जो इक्विवेलेंट परसेंटेज में ट्रांसलेट करता है 93.625%। तो ये था हमारा क्लास 10 का रिजल्ट। हमारा क्लास 12 का रिजल्ट, 668 स्टूडेंट्स ने दोनों हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं, 299 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 वो अचीव किए हैं, और 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA जो है 3 उसको अचीव नहीं किया है, उनकी सप्लीमेंट्री असेसमेंट 1 महीने बाद होगी। और इंटरेस्टिंगली हमारे क्लास 10 में तो 4 स्ट्रीम्स हैं, पर क्लास 12 में इस साल एक सिंगल स्ट्रीम है, और क्लास 12 में हमारी जो स्ट्रीम है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हमारे टॉपर हैं मोहम्मद फरहान फ्रॉम SOSE कालका जी, जिनका 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज है और इनका इक्विवेलेंट परसेंटेज है 97%। नंबर 2 पे हैं SOSE खिचड़ीपुर के श्याम कुमार, अगेन ग्रेड पॉइंट 7, एंड
थर्ड पोजीशन पे हैं, एक्चुअली सेकंड पोजीशन पे एग्जैक्टली सेम परसेंटेज के साथ उज्ज्वल प्रताप फ्रॉम सेक्टर 23 रोहिणी एंड शिम्पी फ्रॉम सेक्टर 23 रोहिणी। जैसा मैंने कहा, आज का ये डीबीएससी का रिजल्ट हमारे देश के एजुकेशन रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक नई एजुकेशन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप क्लासरूम में कितने भी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाइए, लेकिन आखिरकार बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं जैसा बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जो एक नए एग्जामिनेशन और असेसमेंट की तरीके की शुरुआत है, ये एग्ज़ाम और ये असेसमेंट आने वाले समय में ना सिर्फ दिल्ली की पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा। और इन सभी बच्चों को जिन्होंने आज डीबीएससी में क्लास 10 और क्लास 12 का इतना शानदार रिजल्ट अचीव किया है, इन सभी बच्चों को और इनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की सारी टीम की कि उन्होंने पिछले 2 सालों में जो इनोवेटिव काम किया है और जो हाई स्टैंडर्ड्स के साथ ना सिर्फ एग्ज़ाम पेपर्स बनाए हैं बल्कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ एग्ज़ाम्स करवाए हैं और उन्हीं एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट सामने रखे हैं। आज मेरे पास भी इन बच्चों का रिज़ल्ट तभी आया जब ये रिज़ल्ट डीबीएससी के वेबसाइट पर रिलीज़ हो गया। इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को डीबीएससी ने अपनाया है।